दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत ने 11 मार्च को AI तकनीकी वाली अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया, जिससे दुनिया को पता चला कि हम मिसाइल तकनीकी में कितने उन्नत हो गए हैं। जहां ग्लोबल टाइम्स जैसे चीनी अखबारों ने आश्चर्य और कुछ सकारात्मक पहलू व्यक्त किए, वहीं एक प्रमुख अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिक ने निराशा व्यक्त की। आइए समझते हैं अग्नि मिसाइल को लेकर चीन और अमेरिका की प्रतिक्रियाएं। हम जानते हैं कि ग्लोबल टाइम्स एक चीनी सरकार के स्वामित्व वाला अखबार है, जो चीन के आधिकारिक रूप को दर्शाता है। यह अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से चीन के एजेंडे को बताता है। जब चीन बिना आधिकारिक हुए अपनी चिंताएं या प्रोपेगेंडा साझा करना चाहता है, तो वह इसी अखबार का इस्तेमाल करता है। ग्लोबल टाइम्स ने एक हालिया लेख में भारत के नवीनतम अग्नि मिसाइल परीक्षण के बारे में बात की। उन्होंने भारत की सीधे सीधे आलोचना नहीं की, लेकिन इसकी प्रशंसा भी नहीं की। उन्होंने बताया कि भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में प्रगति की है और उन्होंने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को भी स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में चीन की श्रेष्ठता का संकेत दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत के मिसाइल परीक्षणों से चीन को ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि चीन को लगता है कि मिसाइल तकनीकी में भारत उससे आगे नहीं निकल पाएगा। मूलतः चीन भारत की उपलब्धियों को कम करके आंकना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने पश्चिमी मीडिया पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि भारत के मिसाइल परीक्षण उनके लिए भी बड़ी चिंता का विषय नहीं है। जब भी भारत किसी शक्तिशाली मिसाइल या हथियार का परीक्षण करता है, तो पश्चिमी मीडिया इसे सनसनी खोज बना देता है, जिससे ऐसा लगता है कि भारत चीन या पाकिस्तान का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स का मानना है कि पश्चिमी मीडिया भारत की क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और भारत को चीन के लिए खतरे के रूप में चिन्हित करने की कोशिश करता है। आइए सब समझते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत की प्रगति से चीन ऐसा क्यों महसूस कर सकता है। चीन वर्ष से सैन्य टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, लेकिन भारत की हालिया प्रगति इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व के लिए एक चुनौती है। हालांकि चीन बाहरी तौर पर आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आंतरिक तौर पर वह भारत की बढ़ती क्षमताओं से चिंतित है। वे इस डर को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन यह उनकी अप्रत्यक्ष प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है। उधर भारत के मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग थी। परमाणु वैज्ञानिक हंस क्रिस्टेंस ने भारत के AI अक्षम अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण पर निराशा व्यक्त की। उनका मानना है कि इस तरह की प्रगति संभावित रूप से क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। उन्होंने बताया कि स्टार संधि के तहत अमेरिका अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलों IBCM पर उन्नत तकनीकी का उपयोग करने से परहेज करता है। हालांकि भारत समेत कई देश सक्रिय रूप से ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं, जिससे हथियारों की नई होड़ शुरू हो सकती है। इसलिए जहां चीन भारत की उपलब्धियों को कमतर आंकने और आत्मविश्वास बनाए रखने की कोशिश करता है, वही अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत की प्रगति के निहितार्थ के बारे में चिंता व्यक्त करता है। यह गतिशीलता उस जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को उजागर करती है, जिसमें भारत स्वयं को पाता है। अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद भारत के लिए क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखते हुए अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखना महत्वपूर्ण है। इन विषयों पर बेझिझक अपने विचार कमेंट में साझा करें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक जानकारी पूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।